बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका मेज़बान हाफिज़ मोहम्मद अहमद एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन, आज हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ सूरह हूद का तारफ़ जो है वह पढ़ेंगे, उसका मकाम नज़ूल, उसकी फजीलत, उसके बारे में हदीसे मुबारक जो हज़ूर ने बयान फरमाई हैं और उसके जो मज़ामीन हैं वो आज इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं सूरह हूद का मकाम नज़ूल क्या है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास, हज़रत हसन, हज़रत इकरमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम और दीगर मुफस्सरीन फरमाते हैं कि सूरह हूद मक्का मुकरमा में नाज़िल हुई है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से एक रिवायत ये भी है कि वाकिमिस्सलात तरफ़ नहार के सिवा बाकी तमाम सूरत जो है वह मक्की है। और मकातिल ने कहा कि आयत फ़ला अल्लाह का तारिकुन और उलाइक युमिनून बिही और इन्नल हसनाति युज़हिबुन सय्यिआत के अलावा पूरी सूरत जो है वो मक्की है। रकू और उसकी आयात की तादाद इस सूरत में 10 रकू हैं और 123 आयतें हैं, 123। हूद नाम रखने की वजह क्या है? इस सूरत की आयत नंबर 50 से लेकर 60 तक इसमें अल्लाह ताला के नबी हज़रत हूद अलैहिस्सलाम और उनकी कौम में आग का वाकया बयान किया गया है। इस वाक़े की मुनासिबत से इस सूरत का नाम सूरह हूद रखा गया। अब सूरह हूद के बारे में अहादीस क्या हैं देखते हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा फरमाते हैं, हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हुने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बुढ़ापे के आसार नमूदार हो गए। इरशाद फरमाया, मुझे सूरह हूद, सूरह वाकिया, सूरह मुरसलात और सूरह नबा यानी अम्मा यतसाअलून और सूरह इज़्शम्स कुव्विरत ने बूढ़ा कर दिया है। गालबन ये उस वजह से फरमाया कि इन सूरतों में क़यामत का जिक्र है और मरने के बाद दोबारा ज़िंदा किए जाने का जिक्र है और हिसाब और जन्नत दोज़ख का जिक्र है। इस वजह से फरमाया कि मुझे इन सूरतों ने बूढ़ा कर दिया है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है, हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसे ये बात पसंद हो कि वो क़यामत को अपनी आँखों के सामने रखे और देखे, उसे चाहिए कि वह सूरह इज़्शम्स कुव्विरत यानी सूरह तकवीर और इज़्समाउ फ़तरत सूरह इन्फितार, इज़्समाउ शक्कत सूरह इन्शिक़ाक पढ़ ले, इनका तर्जमा और तफसीर पढ़ ले। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा फरमाते हैं, मेरा गुमान है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह हूद पढ़ने का भी जिक्र किया। हज़रत काब बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जुमा के दिन भी सूरत हूद जो है वह पढ़ा करें। एक सूरत काफ है, उसे भी जुमा के दिन पढ़ना चाहिए और सूरह हूद जो है उसके बारे में हज़रत उमर फारूक फरमाते हैं, हज़रत काफ फरमाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जुमा के दिन भी सूरह हूद की जो है वो तिलावत की जाए। अब देखते हैं सूरह हूद के मज़ामीन क्या हैं। इस सूरत का मरकज़ी मज़मून ये है, इसमें भी सूरह यूनुस की तरह तौहीद, रिसालत, मरने के बाद दोबारा ज़िंदा किए जाने और क़यामत के दिन अमाल की जज़ा मिलने को दलाइल के साथ बयान किया गया। इसके अलावा इस सूरत में ये मज़ामीन भी बयान हुए हैं। नंबर एक, कुरान पाक के अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल होने को दलील के साथ साबित किया गया है। नंबर दो, आसमान व ज़मीन और उनमें मौजूद मुनाफे पैदा करने की हिकमत बयान की गई, इससे मकसूद नेक और गुनाहगारों और गुनाहगार इंसान में इम्तियाज़ करना है। नंबर तीन, मुसीबत और आसानी में मोमिन और काफिर की फितरत का मवाजना किया गया है कि मोमिन मुसीबत आने पर सब्र करता है और आसानी मिलने पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता है, जबकि काफर नेमत मिलने पर तकब्बर और गरूर करता है, जबकि मुसीबत की हालत में हो तो बड़ा मायूस और नाशुक्र हो जाता है। नंबर चार, हर इंसान की फितरत मुख्तलिफ है,
हद तक दीन कबूल करने में भी हर एक की फितरत जो है वो एक दूसरे से जुदा जुदा है। नंबर पाँच, कुफार की तरफ से पहुँचने वाली अज़ियतों पर अल्लाह ताला ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली के लिए साबका अम्बिया इकराम अलैहिस्सलाम के वाक़यात बयान फरमाए और इन वाक़यात में तमाम मुसलमानों के लिए भी इबरत और नसीहत है। इस सूरत के अंदर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और उनकी कौम का वाक़या और हज़रत हूद अलैहिस्सलाम और उनकी कौम में आद का वाक़या, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम और उनकी कौम कौम समूद का वाक़या, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके मेहमान फरिश्तों का वाक़या, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम का वाक़या, हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम का वाक़या, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का फ़िरौन के साथ वाक़यात जो हैं वो सारे के सारे सूरत के अंदर जो है वो बयान किए गए हैं। नंबर छः, अम्बिया इकराम अलैहिस्सलाम और उनकी कौमों के वाक़यात बयान करने से हासिल होने वाली इबरत व नसीहत का बयान भी इसी सूरत के अंदर बयान किया गया। नंबर सात, दीन में इस्तकामत का हुक्म दिया गया और ये बताया गया कि सरकशी बर्बादी का रास्ता है और कुफर शिरक की तरफ मैलान जो है ये जहन्नम के अजाब का सबब बनता है। नंबर आठ, नमाज को उसके औकात में कायम करने और नेक आमाल पर सब्र करने का हुक्म दिया गया। नंबर नौ, दीन की दावत से एराज करने वालों को अजाब की वाइद सुनाई गई और मुत्तकी लोगों के अच्छे अंजाम को इस सूरत के अंदर जो है वो बयान किया गया, जिससे वाज़ेह होता है कि तरगीब और तरतीब इनफरादी और इज्तमाई इस्लाम में बहुत फ़ायदा मंद है। ये थे इस सूरत के मज़ामीन। अब देखते हैं सूरह यूनुस के साथ इस सूरत को क्या मुनासिबत है। सूरह हूद की अपने से माकबल हज़रत यूनुस, सूरह यूनुस के साथ मुनासिबत ये है कि ये माना मौजू इब्तदा और इख्तिताम में सूरह यूनुस के मुवाफिक है और सूरह यूनुस में जिन एतकादी उमूर और अम्बिया इकराम अलैहिस्सलाम के वाक़यात को इजमाली तौर पर बयान किया गया, इस सूरत के अंदर उन वाक़यात को तफसील के साथ बयान किया गया। तो नाज़रीन किराम, ये था सूरह हूद का तआरुफ, उसका मकाम नज़ूल, शान नज़ूल और उसके बारे में जो हदीस मुबारक थी और उसका अंदर जो मज़ामीन बयान किए गए हैं और सूरह यूनुस के साथ सूरह हूद को जो मुनासिबत है ये मैंने आप अहबाब की गोश गुजार किए हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है अल्लाह ताला हम सब को नेक अमल की तौफीक अता फरमाए।